और जिस वेब सीरीज को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करती है, उसका कनेक्शन कहीं भी नहीं है, वो एक फिक्शन है। इन आरोपों के पीछे आपको क्या लगता है, क्या मंशा हो सकती है शिवसेना की? नहीं नहीं वो तो मिर्जापुर में जो कुछ दिखाया बहुत काल्पनिक दिखाया है, लेकिन फिर भी हमारे ने योगी जी से निवेदन भी किया है कि इस तरह की हिंसा और अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और एक एक बीच में प्रकरण आया कि वहां पर उन्होंने मंदिर के अंदर शूटिंग की और जूते पहने हुए थे, तो ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। किसी मस्जिद में तो ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर मंदिर में भी सब नहीं होगा। वहां चुंबन के दृश्य थे, ऐसी जरूर रोकथाम होगी लेकिन क्रिएटिविटी रोकी नहीं जाएगी। क्रिएशन कोई भी कर सकता है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो हिंदू धर्म का या किसी का मजाक उड़ाए या किसी धर्म का मजाक। देखिए, जहां तक उद्धव ठाकरे साहब की बात है और संजय राउत जी की बात है, यही वो लोग हैं जो एक टाइम पे कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की सरकार, इन लोगों ने वहां की जनता के लिए कुछ नहीं किया, निकम्मी सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री ने वहां के लोगों को रोजगार नहीं दिया, सुविधाएं नहीं दी, ये सब भाग भाग के आ रहे हैं वहां से, हमारे सर पे आके बैठ रहे हैं, बंबई में चलने को नहीं हो रहा, इतनी भीड़ हो गई, उत्तर प्रदेश से इतने लोग आ गए यहाँ पे, सब कलाकार बनने चले आते हैं, सब यहाँ भीड़ लगाते हैं। तो अब तो योगी जी को धन्यवाद करो, आप योगी जी का तो अभिनंदन करो कि योगी जी वहीं के वहीं व्यवस्था कर रहे हैं रोजगार की, वहीं के वहीं उत्तर प्रदेश में वो रोजगार सृजन के लिए हर विभाग को खंगाल रहे हैं, हर विभाग में संभावनाएं तलाश रहे हैं। हाँ। इसी के तहत फिल्म सिटी की बात आई, फिल्म सिटी के बारे में हम लोगों ने उनको बताया कि मुख्यमंत्री जी इसके जरिए हम लाखों लोगों को रोजगार दे पाएंगे। राजू जी, एक मेरा सवाल है, आपने कहा कि जब एक वक्त था जब यूपी या बिहार या उत्तर भारत के कई राज्यों से जब लोग जाते थे अपनी प्रतिभा को लेकर मुंबई, तो उन्हें वहां से भगा दिया जाता था, लेकिन आज उत्तर भारत में ही उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जा रही है। इसके अतर शिवसेना अपने मुखपत्र सामना में लिखती है कि मिर्जापुर में जो चीजें दिखाई गई हैं वो उत्तर प्रदेश की वास्तविकता को दर्शाती हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की सीरीज बन रही है जो एक फिक्शन होती है, काल्पनिक होती है, लेकिन बताने की कोशिश ये की जाती है कि उस राज्य में ऐसा ही कुछ चल रहा है, फिर तो मुंबई में अंडरवर्ल्ड के जो कनेक्शन की बातें सामने आती है उसकी सच्चाई का क्या? तो यहाँ का करप्शन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक फिल्म आई थी बॉम्बे, उसमें ऐसा लग रहा था कि दिन भर यहाँ गोली चलती रहती है, दिन भर यहाँ मर्डर होते रहते हैं मुंबई में। तो ये से अपना काम करते हैं, और लेकिन सही है कि बहुत ज्यादा हिंसा और अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उद्धव ठाकरे जी को, संजय राउत जी को, महाराष्ट्र की सरकार से निवेदन करता हूं कि वो भी फिल्म सिटी बनाए और बनाए, एक है उनके पास और बनाए, लोग नहीं जाएंगे उत्तर प्रदेश शूटिंग करने। अरे जहां सुविधाएं मिलेंगी फिल्म वालों को, जहां की सरकार सुरक्षा देगी, जहां उनको सब्सिडी जल्दी मिलेगी, जहां पे तकनीकी दृष्टि से स्टूडियो अच्छा होगा, वहां वो जाएंगे। ये तो प्रतिस्पर्धा की बात है। बिल्कुल राजू जी, आपके कई सारे शोज जनता ने देखे हैं, और एक स्क्रिप्ट मुझे याद आती है जब भाई लोग अपना काम धंधा छोड़कर कुछ और करने के जुगत में आते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसे आपने डायलॉग्स का इस्तेमाल किया, इसे खोपचे में ले, इसे कोने में ले जा, तो ये शब्दावली जो है ये भी तो मुंबई से ही आती है। तो क्या हम ये समझे कि मुंबई में सब ऐसे ही बात करते हैं? शायद ऐसा नहीं है। हाँ वही तो ऐसा तो नहीं है। ये तो एक यहाँ कहा जाता है टपोरी भाषा। तो यहाँ के कुछ सड़क पे घूमने वाले सड़क छाप लोग ने अपनी एक भाषा बना ली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी मुंबई में ऐसी भाषा बोली जाती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी गुणवत्ता के लिहाज से, टेक्निक के लिहाज से, ये एशिया की सबसे सुंदर और सबसे स्ट्रांग फिल्म सिटी बनने वाली है, जिसमें सब कुछ वहां पर उपलब्ध होगा फिल्म मेकिंग से रिलेटेड। तो फिल्म वाले वहां जाएंगे, और अगर उद्धव ठाकरे जी को एक सवाल और मेरा, क्योंकि एक सवाल और राजू जी मेरा, वसई में बना ले इसका जिक्र आपने किया कि बहुत बड़े लेवल पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, सुविधाओं से लैस होगी। आपके पास भी एक अहम जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश में फिल्म विकास निगम की, तो किस तरह से विकास और आगे बढ़ जाएगा अगर इसकी नींव जल्द ही रखी जाए तो फिल्मों का? देखिए, पहले की सरकारें सिर्फ प्रचार तक सीमित थी,
उन्होंने भी इस तरह की फिल्म सिटी की बात की और शिलान्यास वगैरह किया, पार्टी हुई, खाना पीना हुआ, चाय पानी हुआ और सब भूल गए, क्योंकि उनको सिर्फ प्रचार से मतलब था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। योगी जी जो सोच लेते हैं, जो प्रण कर लेते हैं, उसको पूरा करते हैं, और अगर कोई पूरा करने में बाधक होता है तो उसको ठोक दो। और अगर निशाना उत्तर प्रदेश पर साधा गया है, मैं उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते अब एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, तो कानपुर के गजोदर भैया सामना में लिखे लेख को लेकर क्या कहेंगे? अरे यार समझे, ए मिश्रा यादव, अरे का सामना में सब लिखा जा रहा है मन घड़त, ए जबरदस्ती का वो बना है, अब उनको भी प्रचार करना है, अपनी जनता को दिखाना है कि बड़ा हितैषी बन रहे हैं। अरे संजय राउत को जब गुस्सा नहीं आता है, जब उनको मालूम है कि अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, तो जबरदस्ती काहे को गुस्सा हो रहे हैं, झूठ मूठ का गुस्सा दिखा रहे हैं है? अरे अरे फिल्म सिटी कोई गमला है, कोई पर्स है, कोई समोसा है जो वड़ा पाव यहां से उठा के योगी जी वहां ले जा रहे हैं? अरे तुम भी अपन फिल्म सिटी बनाओ, बढ़िया, खूब बढ़िया बढ़िया उसमें सुविधाएं दो। योगी जी बढ़िया बना रहे हैं, उनकी भी चलेगी, तुम्हारी भी चलेगी। अब हैदराबाद में भी तो है, समझे ए संगठा बैजनाथ, अब वहां भी तो फिल्म सिटी बनी है, चेन्नई में। हाँ तो वो तो नहीं, उसको तो नहीं कोई रोक रहा, तो जब वो बंद नहीं हुई तो मुंबई वाली बंद नहीं होगी, लेकिन लखनऊ वाली चलेगी दनादन, और क्या। अब देखो एम्स अस्पताल है, एम्स अस्पताल है दिल्ली में, अब जरूरत पड़ी ऋषिकेश में एम्स बन गया, गोरखपुर वाले बोले हमों को एम्स दो, हमारे तो इलाज हो बढ़िया, तो योगी जी गोरखपुर में बनवा दिए एम्स, पटना बनवा दिए, ये तो सुविधाएं बढ़ रही, और क्या। जेका मन जहां, जेका नजदीक जहां पड़े हो वहां जाओ एम्स में, आप चाहे गोरखपुर वाले में चले जाओ, पटना वाले में चले जाओ, रायबरेली वाले में चले जाओ, जहां सुविधा ज्यादा मिले वहां पर आपको जाना चाहिए। और यही कानपुर के गजोदर भैया भी कह रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के लिहाज से प्रतिभा मिले, लोगों की प्रतिभा जो है वो सामने आए और यहीं पर उन्हें काम मिले, बहुत रोजगार मिले, यही उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।